तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय बाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेडमी नोट 10s के लिए ग्लोबल शेबल में MIUI 13 एंड्रॉयड 12 अप्रैल के महीने में रिलीज़ किया जाएगा, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी यहां पर बना दी थी। तो यहां पर रेडमी नोट 10s के लिए ग्लोबल शेबल के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ चुकी है। तो आज मैं आपको रेडमी नोट 10s के MIUI 13 एंड्रॉयड 12 ग्लोबल शेबल की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि उस अपडेट का साइज़ कितना है, उस अपडेट का स्टेटस क्या है, वो अपडेट सभी यूज़र्स को कब तक देखने के लिए मिलेगा, और इंडिया में कब तक रिलीज़ किया जाएगा MIUI 13 एंड्रॉयड 12 फॉर रेडमी नोट 10s। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेडमी नोट 10s के लिए MIUI 13.0.2.0 SKL MIXM, अब यहाँ पे RKL के जगह SKL हो चुका है, यानी कि ये अपडेट एंड्रॉयड 11 से एंड्रॉयड 12 पर और 12.5 NN से MIUI 13 पर देखने के लिए मिल चुका है। और ये अपडेट अभी के लिए केवल MI पायलट में ही रिलीज़ किया गया है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने टेलीग्राम चैनल पर लिख दिया है। तो इस अपडेट का साइज़ कितना है वो वाली बात कर लेते हैं। तो आपको इस वाले अपडेट का साइज़ 2.9 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे MIUI 13 एंड्रॉयड 12 रेडमी नोट 10s के लिए फाइनली रिलीज़ हो चुका है 2.9 GB के साइज़ में, और आपको इसमें स्टेबल MIUI बेस्ड एंड्रॉयड 12 अपडेटेड एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच टू मार्च 2022। तो आपको इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो आपको मार्च के महीने का देखने के लिए मिलता है, लेकिन मार्च के महीने का 12.5.16.0 में भी आपको देखने के लिए मिल गया था, और आपको इसमें मोर फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स में भी ये सारे चेंजेस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब मैं आपको इसमें एक बात बता दूँ, अगर आप Redmi Note 10s MIUI 13 Android 12 के फुल रिव्यू चाहते हैं कि मैं इसका फुल रिव्यू करूं, बैटरी परफॉर्मेंस और भी क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपने Redmi Note 10s डिवाइस में इस वाली रोम को फ्लैश करके इसका फुल रिव्यू यहां पर कर सकता हूं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए या फिर नहीं चाहिए, और इस अपडेट के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं Redmi Note 10s के 13.0.2.0 Android 12 ग्लोबल शेबल अपडेट के। तो अब बात कर लेते हैं ये अपडेट पब्लिक में कब तक रिलीज़ किया जाएगा। तो ये 21 अप्रैल को MI पायलट में रिलीज़ किया गया था, तो इसको पब्लिक में आते आते कम से कम एक हफ्ते का आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इस अपडेट में कोई भी मेजर इशू नहीं देखने के लिए मिलता है तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर इसमें मेजर बग मिल गया तो इस अपडेट को सस्पेंडेड करके एक नया वर्ज़न रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 99% चांसेस यही बनते हैं कि इसमें कोई भी मेजर बग देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि 13.0.1.0 में सारी टेस्टिंग इस डिवाइस के लिए कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे 13.0.2.0 रिलीज़ किया गया है विद स्टेबल अपडेट। तो अब मेरे हिसाब से इस अपडेट में कोई भी मेजर बग तो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अब इस अपडेट को पब्लिक में एक हफ्ते के बाद, यानी कि एक हफ्ते के अंदर रिलीज़ किया कर दिया जाएगा। उसके बाद इस अपडेट को फुली रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। उसके बाद ये सेम अपडेट यूरोप स्टेबल, उसके बाद इंडिया स्टेबल में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा Redmi Note 10s के लिए MIUI 13.0.2.0 का Android 12 पर बेस्ड ग्लोबल स्टेबल अपडेट मिल चुका है। इंडिया स्टेबल अपडेट भी आपको मई के महीने तक देखने के लिए मिल सकता है, ये बात यहाँ पर ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 10s MIUI 13 Android 12 की पूरी इन्फॉर्मेशन की, यहाँ पे ग्लोबल शेबल के लिए रिलीज़ हो चुका है MI पायलट में, पब्लिक में बहुत ही जल्द रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद इंडिया में भी आपको ये सेम अपडेट बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।